साथियों, आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ऐसी बीमारी कोरोना जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है, आज दुनिया के साथ अपना देश और मध्य प्रदेश भी जूझ रहा है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना को हराने के, समाप्त करने के हर संभव प्रयास पूरा देश कर रहा है, पर आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन यह बीमारी कब खत्म होगी पूरी तरह से, आज निश्चित नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश में हमने 3 जोन बनाए हैं। एक जहां ज्यादा संक्रमण है उसको रेड जोन कहा है, जहां कुछ इलाके में, जिले में सीमित संक्रमण है उसको ऑरेंज जोन कहा है, और एक वो जो जहां कोरोना का संकट नहीं है उसको ग्रीन जोन कहा है। अब ग्रीन जोन में तो सारी गतिविधियां अपन शुरू करेंगे 4 तारीख से। मनरेगा की मजदूरी वहां मिलना शुरू हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के बाकी काम भी शुरू कर रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में भी जहां बिल्कुल नहीं है, ग्रीन जोन है, वहां कई गतिविधियां छोटी मोटी ऐसी शुरू करेंगे जिससे निर्माण श्रमिक भाई बहनों को भी रोजगार मिल जाए। लेकिन कई इलाकों में कोई गतिविधि शुरू नहीं होगी, और लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, और ये दिक्कत तो हमारे सामने है। मैं आपके कष्ट को समझ सकता हूं, परेशानी को जान सकता हूं, और इसलिए एक तरफ पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की व्यवस्था की है, सभी राशन कार्ड धारियों को और जिनके पास नहीं है उनकी 25 अलग अलग श्रेणियां बना के उनको भी पहले 3 महीने का इकट्ठा राशन दिया, अब 2 महीने का फिर इकट्ठा राशन दे रहे हैं जिसमें चावल और 1 किलो दाल भी शामिल है। अन्न की कमी नहीं आने देंगे, भरसक कोशिश है हमारी कि संकट के समय गरीब को भरपेट भोजन मिले। लेकिन केवल गेहूं चावल दाल से काम नहीं चलता, जरूरत और चीजों की भी होती है। नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, तेल भी चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रख के अप्रैल महीने के लिए 30 मार्च को सभी निर्माण श्रमिक भाई बहनों के खाते में 1,000 रुपया हमने डाले थे। कुल मिला के 8.5 लाख से ज्यादा, 8,85,000 निर्माण श्रमिकों के खाते में हमने 88.5 करोड़ रुपया पिछले महीने डाले थे। अब चूंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है तो इस महीने भी चाहिए, और इसलिए फैसला किया कि अप्रैल के बाद मई महीने के लिए भी 1,000 रुपया फिर निर्माण श्रमिकों के खाते में डाला जाए। राशन मिलेगा ही, ये इस राशि से हमारे घर का छोटा मोटा खर्चा, विशेषकर भोजन संबंधी आवश्यकताएं, वो सब पूरी हो सकेंगी। इसलिए आज यहीं से मैंने आपके बैंक खाते में फिर से 8,85,000 निर्माण मजदूरों के खाते में 88.5 लाख रुपए की राशि डाल दी है, अंतरित कर दी है। आप अपनी सुविधा से वो राशि निकालिए। प्रदेश के बाहर भी कई मजदूर फंसे हैं, उनको कई को हम बसों से ले आए 40,000 के आसपास, बाकी को मिलाने का काम जारी है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन से भी फैसला किया ट्रेन चलाने का, तो उनको भी हम वापस ला रहे हैं। लेकिन जो बाहर फंसे थे हमारे मजदूर, उन 76,000 मजदूरों के खाते में हम लोग 1,000 रुपया भी डाल चुके हैं। बाकी जैसे नाम और सूची प्राप्त होती जाएगी बाकी के खाते में भी राशि डालेंगे।
मेरे मजदूर भाइयों बहनों, धरती के संसाधनों पर सबका हक है, लेकिन पहला अधिकार गरीबों का है। ये संसाधन सबके पास नहीं होते, जिनके पास होते हैं वो इनसे धन कमाते हैं। इसलिए हमने तय किया कि जो धन कमाएंगे उनसे हम टैक्स लेंगे और जो गरीब है उसको सुविधाएं देंगे। इसलिए आपको दिया तो ये आपका अधिकार है। एक बात की और मुझे खुशी है, संबल योजना फिर से चालू कर दी गई है। संबल गरीबों की जिंदगी में नया प्रकाश लेके आई थी। पिछली सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में पटक दिया था, हमने फिर से उसको चालू किया है। बच्चों की पढ़ाई की फीस, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटियों की शादी, बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो 4,00,000, सामान्य मृत्यु हो जाए तो 2,00,000, और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया, जो संबल में प्रावधान था वो प्रावधान भी हमने कर दिया, ताकि मजदूरों की जिंदगी, गरीबों की जिंदगी और आसान बने। जो बाहर के प्रदेशों से आए हुए मजदूर हमारे यहाँ रुके थे, उन मजदूरों के भी, हमारे प्रदेश के नहीं थे लेकिन उन मजदूरों के खाते में भी हमने 1,000 रुपया डाले हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। अगर दूसरे प्रदेश के भाई भी फंसे हैं तो भोजन की व्यवस्था तो की ही, इस राशि की व्यवस्था भी की और उनको घर उनको भेज रहे हैं। प्रदेश में जहां जितने लोग फंसे थे उनको भी।